श्री मुलायम सिंह यादव। आदर्श महोदय, स्वर्गीय भंडार नायकी जी, जिनके संबंध में सभी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम अपने दल को भी संबद्ध करता हूँ। भंडार नायकी जी ने लंका का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया और लंका को मजबूत देश बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन आज हम लोग भूल नहीं सकते भारतवासी, 1962 में एक ऐसा अवसर आया था जब भंडार नायकी जी ने ये सिद्ध कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि विश्व का सबसे मित्र लंका है। उस समय की जो आवाज़ भारत के पक्ष में उन्होंने जो मजबूती से रखी थी, उसका भारत रेडी रहेगा। उन्होंने विकासशील गरीब देश निवर्त देश जितने भी तो उनका नेतृत्व किया ही, और इसलिए आज हम लोग इस महासदन में उनको याद कर रहे हैं। हमारे दल की तरफ से उनके संबंधी, उनके परिवार तक संवेदना भेजने की कृपा कर। स्वर्गीय सीताराम केसी जी, जिनसे मेरा काफ़ी समय तक संपर्क रहा, आखिरी समय तक रहा, वो भले ही अपने दल में हों लेकिन अपने दल के मंचों से भी हमारे पक्ष में और धर्मनिष्ठता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त तो लोग डरते थे हमारा नाम लेने से, बहुत सारे नेता भी, बहुत दल कहकर विशेष वर्ग के विरोधी बन जाएंगे। उस समय स्वर्गीय सीताराम केसी जी ने इस देश के में धर्मनिष्ठता को मजबूत करने के लिए विशेष भूमिका निभाई थी, और इसीलिए अपनी मेहनत से और अपने विचारों पर अड़े रहने के कारण ही कांग्रेस पार्टी के संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। हमें अफसोस है उनके निधन से। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने दल की ओर से जो आपसे संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं देने की कृपा करें। स्वर्गीय महानदाता सिंह जी, उन्होंने और हमने शिक्षक के नाते भी साथ साथ काम किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी हम लोग साथ साथ रहे, दल में भी एक में साथ साथ रहे, और लोकसभा के सदस्य भी वो लखनऊ से ही चुने गए, जहाँ पर वो शिक्षक थे या प्रधानाचार्य थे, उस काली में भी जाने का मुझे शुभ अवसर मिला। हमारे उनके निजी संबंध थे, निजी रिश्ते थे, कई कार्यक्रमों में नहीं, कई संघर्षों में साथ साथ रहे। उनके निधन से हमारा दल दुखी है। उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके संबंधियों तक हमारी भावनाएं पहुंचाने की कृपा करें। श्री सुब्रमण्यम और नाना साहब रोंडे और गदाधर साहब जितने भी महान नेता थे, विभिन्न पदों पर देश की, समाज की सेवा की है, इस सदन के माध्यम से और बाहर भी लोकप्रिय हुए हैं, मंत्री पद पर भी रह करके
और सार्वजनिक जीवन में भी अन्य पदों पर रह करके भी समाज की देश की सेवा की है, हम उनको भुला नहीं सकते हैं। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और सहानुभूति उनके परिवार के संबंधियों तक हैं, हमारी सारी भावनाएं पहुंचाने की कृपा।